नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गावढानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, एक घंटे में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबर 392 तहसील में। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कठुआ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पक्षियों के पानी के लिए परिंडे लगाए गए। पीटीआई शिवराम सोनी ने बताया कि पेड़ों पर परिंडे लगाकर नियमित पानी भरने के संकल्प के साथ ये परिंडे लगाए गए। कठुमर के खेड़ली कस्बे में मां कैला देवी की भव्य शोभा यात्रा निकाले गए। शोभा यात्रा भक्त प्रकाश जैन के सानिध्य में और झांकियों के साथ निकाली। लक्ष्मणगढ़ में बिटिया लाडो की घोड़ी पर बैठाकर बिंदोली निकाली गई, जिसमें आमजन को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। बिसाऊ में हाई टेंशन लाइन के तार चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 16 लाख रुपए से अधिक के बिजली के तार और उपकरण जब्त किए गए। कठुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डिजिटल एक्सरे रूम की छत पर प्लास्टर गिरने से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर हेमंत वर्मा का कहना है कि अस्पताल भवन बहुत पुराना हो चुका है, इसकी रिपेयरिंग और नया बनाने के लिए एनआरएचएम विभाग को कई बार पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुर कार्रवाई नहीं की गई। आईजी उमेश दत्ता सांभर के दौरे पर रहे। वहीं आईजी ने सांभर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया और पर्यावरण संरक्षण के लिए थाना परिसर में पौधारोपण भी किया। आईजी ने शक्तिपीठ मां शाकंभरी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। और चलिए अब करेंगे खबर 392 तहसील का और बात करेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। कठुआ के गारू और सोखरी में दो दिवसीय महंगाई राहत कैंपों प्रशासन गांव के संग अभियान शिविरों का शुभारंभ हुआ। कैंपों में अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोजास में 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम शानदार रहने पर सम्मान समारोह रखा गया। समारोह की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जयदीप झाझड़िया ने की व मुख्य अतिथि मंडावा ब्लॉक के विकास अधिकारी नरेंद्र पुनिया रहे। प्रधानाचार्य महिपाल सिंह बुगालिया ने बताया कि 10वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा परिणाम भी शानदार रहा है। परीक्षा में कुल मिलाकर 25 विद्यार्थी प्रविष्ट हुए, जिनमें से 21 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी व 4 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो वहीं 2 छात्राओं का गार्गी पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। पाटना के गोपाल भैया मंदिर की महंत मोहनदास रामायणी की चादर पोछने का कार्यक्रम बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ किया गया। त्रिवेणी धाम के महंत रिछपाल जी महाराज ने अनेक साधु संतों और विराटनगर विधायक निजराज गुर्जर समाजसेवी महेंद्र शर्मा सहित हजारों गणमान्य लोगों की उपस्थिति में गोपाल भैया मंदिर के महंत मोहनदास जी महाराज की चादर पेशी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के बाद विशाल भंडारा भी रखा गया। जयपुर के सांगानेर टोंक रोड स्थित कल्याण नगर में ग्रेटर नगर निगम चेयरमैन अरुण शर्मा के साथ स्थानीय लोगों के द्वारा सफाई कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण कल्याण नगर में साफ सफाई की गई। इस दौरान चेयरमैन अरुण शर्मा ने ये बताया कि अगर हड़ताल लंबी चली तो लोगों के साथ मिलकर अलग अलग कॉलोनी में नित्य सफाई करेंगे। शहर में बदहाल यातायात व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपकर शहर में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली को लेकर जानकारी दी। शहर में साइन बोर्ड को लेकर और जल्द ही सड़कों को ठीक करने को लेकर भी ज्ञापन दिया। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति सभागार में निर्वाचन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में उपखंड के संपूर्ण बीएलओ की बैठक का आयोजन किया गया। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण पूर्व गतिविधियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान लक्ष्मणगढ़ उपखंड चुनाव शाखा के बीएलओ मौजूद रहे। सूरजगढ़ कस्बे के श्रीकृष्ण परिषद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड की विभिन्न कक्षाओं में श्रेष्ठ नंबर प्राप्त करने वाली छात्राओं का सम्मान। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सिंहराज सिंघल। सीकर में वायरलेस सेट पर बड़े हादसे के मैसेज मिलते ही जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक करण शर्मा, जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव सहित आधा दर्जन थानों की पुलिस, दमकल की गाड़ियां, चिकित्सा विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। खेतड़ी में चांदमारी रोड पर मकान में चोरी का मामला आया सामने। खेतड़ी पुलिस ने मुख्य आरोपी गावडी निवासी सचिन को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूर्व पुलिस इस मामले में दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी।
अलवर में पीड़िता के साथ बंद कमरे में दुष्कर्म के मामले में आरोपी अजय को पॉक्सो कोर्ट में न्यायाधीश जगेंद्र कुमार अग्रवाल ने 20 साल की सजा सुनाई है और 23,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया गया था। नौसा में रेलवे आरओबी के समीप स्थित होटल जेके पर कारोबार के बीच बनपते देह व्यापार के रैकेट का खुलासा हुआ है। कोतवाली थाना पुलिस ने देह रैकेट का खुलासा करते हुए दो महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में चली। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले तहसील की खबर। भरनर में पुष्करणा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन पुष्करणा यूथ विंग द्वारा किया गया, जिसके समापन समारोह पर मुख्य अतिथि मधुसूदन पुरोहित, पूर्व नगर सेवक एवं शहर मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। बीकानेर, फलौदी, पोखरण, जोधपुर कई जगह से पुष्करणा ब्राह्मण खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। राजीव गांधी युवा मित्र पप्पू राम नगारची ने की आम जनता से अपील, महंगाई राहत कैंप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर आकर पंजीयन करवाने और 9 योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। और साथ ही साथ ये अपील उनकी तरफ से की गई है। फलौदी एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास ने किया महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण भी। राजधानी दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड में हत्यारे को कड़ी सजा की मांग को लेकर देशभर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में सीमावर्ती जिले जैसलमेर में भी इस घटना का सर्व समाज विरोध कर रहा है। साक्षी मर्डर केस के आरोपी को कठोर सजा दिलाने के लिए सर्व समाज द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालकर कैंडल मार्च से श्रद्धांजलि अर्पित की। तिवरी के चौपासवी चारण गांव में बड़े ही धूमधाम से करणी महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में शादीशुदा बहनों को चुमड़ी भी ओढ़ाई गई। शहीद एसपी ताराचंद चौधरी की 110वीं जयंती के अवसर पर जोधपुर के सर्किट हाउस के पास स्थित ताराचंद सर्कल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी प्रतिमा पर सर समाज के लोगों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। पाली रेलवे स्टेशन पर रानीखेत एक्सप्रेस से उतरते समय महिला यात्री असंतुलित होकर गिरने ही वाली थी। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल सुनील ने मुस्तैदी दिखाते हुए महिला को पकड़कर बाहर निकाला। वहीं गनीमत रही कि कांस्टेबल सुनील की तत्परता से महिला की जान बच सकी। जतारण के गर्निया गांव में दिवंगत पारकी देवी सीवी की याद में जेपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि मोहनलाल सीवी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर चौधरी ने शिरकत। पाली के रायपुर में एनएच 162 पर ब्यावर से बर की ओर जा रही वैगनार कार बेकाबू होकर अचानक डिवाइडर से टकरा गई, जहां हादसे में पूरी कार क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार दंपति बाल बाल बच गए। वहीं हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इसके बाद सेंदड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी। जैसलमेर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रीमियर लीग का आगाज हुआ। इस प्रतियोगिता में 218 क्रिकेट की टीम हिस्सा ले रही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने फतेहगढ़ में उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता का समापन 19 जून को होगा। अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। श्रीकरणपुर विधानसभा की पंचायतों में विधायक गुरमीत सिंह कुंदर के 75वें जन्मदिवस पर पौधे लगाए गए। इस अवसर पर पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान का आगाज हुआ। इस मौके पर कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। श्री विजयनगर में DYFI की ओर से पहलवानों के समर्थन में रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया और कार्यालय पर अध्यक्ष कुश्ती संघ ब्रजभूषण सिंह पर तुरंत कार्रवाई कर गिरफ्तारी की मांग का पत्र सौंपा गया। श्रीगंगानगर शहर में विकास कार्यों को लेकर नगर परिषद सभापति करुणा अशोक चांडक द्वारा नागरिकों को राहत प्रदान करने का दायित्व पूरा किया जा रहा है। वार्ड नंबर 41 से 50 के नागरिकों के लिए चहल चौक स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभापति द्वारा लाभार्थियों को गारंटी कार्ड तथा प्रशासन शहर के संग अभियान के तहत लाभार्थियों को पट्टे भी वितरित किए। नवनियुक्त यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, यूथ जिलाध्यक्ष करण सहारण का सूरतगढ़ में सम्मान किया गया। यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष नवीन गोदारा के निवास पर हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी हनुमानवीर, अमित कड़वासरा, कमला अठवाल सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजनगर में नकली सोना गिरवी रखकर 25 लाख रुपए का गोल्ड लोन लेकर बैंक से धोखाधड़ी करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया, जबकि इस मामले में 3 आरोपियों की पूर्व में ही गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच अधिकारी मदनलाल सैन ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर दिया।
जैतसर के नजदीकी गांव 7LC में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर जोहर के पानी से हो रहे नुकसान को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत के वार्ड पंच कीकुराम ने बताया है कि बारिश की वजह से जोहर में पानी भर गया है, जिसके कारण पास के घरों की दीवारों को नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने सरपंच से भी बारिश के पानी की उचित निकासी की मांग की है। रायसिंहनगर के गांव बाजुवाला में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कंचन नायक ने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं विभिन्न योजनाओं के गारंटी कार्ड भी वितरित किए। रायसिंहनगर के मिनी सचिवालय में निर्वाचक पंजीयक पदाधिकारी प्रत्येक जुईकर IAS ने BLO द्वारा घर घर जाकर सर्वे का रजिस्टर पूर्ण करने को लेकर सुपरवाइजरों की बैठक का आयोजन किया। बैठक में प्रत्येक जुईकर सभी सुपरवाइजर्स को समय पर कार्य पूरा करवाने के लिए BLO को निर्देशित करने एवं चुनाव संबंधी कार्यों को समय पर निस्तारित करने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। रायसिंहनगर के कांग्रेस युवा नेता और जिला परिषद सदस्य दीपेश नायक ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। वहीं दीपेश नायक ने रायसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से डोटासरा को अवगत भी करवा दिया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। श्री विजयनगर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज बारिश व तूफान का दौर। ग्रामीण क्षेत्रों में तूफान के कारण प्रभावित हुए महंगाई राहत शिविर। हालांकि मौसम परिवर्तन से आम जन को गर्मी से राहत जरूर मिली। गंगानगर के रायसिंहनगर में पुलिस ने नकली सोना गिरवी रखकर 25 लाख रुपए का गोल्ड लोन लेकर बैंक से धोखाधड़ी करने वाले मास्टरमाइंड रविंद्र सोनी को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में 3 आरोपियों की पूर्व में ही गिरफ्तारी हो चुकी है। रविंद्र सोनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर नकली सोने के आभूषण द्वारा बैंक से 25,26,162 रुपए का गोल्ड लोन उठाकर बैंक से धोखाधड़ी की। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर TC ज्योति शर्मा द्वारा 2 छात्राओं को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। TC ज्योति शर्मा पर कार्रवाई न होने के विरोध में करीब 20 व्यापारिक संगठनों ने हनुमानगढ़ जंक्शन में सामूहिक बैठक की और कल रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपी। बीकानेर में दोपहर बाद मौसम बदल गया। पश्चिमी दिशा की ओर से उठा रेत का भवंडर पूरे शहर पर छा गया। कुछ देर तक हल्की बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट आई। हालांकि आंधी के कारण आसमान में गर्द जरूर छाई, लेकिन लोगों को धूप से राहत मिली। बीकानेर में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और जिला पर्यावरण समिति द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन किया गया। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट की थीम पर आयोजन किया गया। अब करेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। निवाहेड़ में पुलिस ने घर के बाहर से चोरी हुए ट्रैक्टर के आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने चोरी का ट्रैक्टर भी बरामद किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कपासन में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर SDM कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। वहीं प्लास्टिक कचरे का निस्तारण भी किया गया। पौधारोपण कर पौधे की देखभाल की भी जिम्मेदारी तय की गई। चित्तौड़गढ़ जिले की भागसोड़ा ग्राम पंचायत में मीरागंज से लेसवा रोड CC और डामरीकरण सड़क बनने से लोगों में खुशी का माहौल है। PWD की ओर से सड़क का कार्य कराया गया है। ग्रामीण पिछले 2 साल से सड़क निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। कोतवाली थाना क्षेत्र के गाँव मानपुरा की घटना है। घर पर बुजुर्ग महिला को छोड़कर परिवार के सभी लोग शादी समारोह में गए हुए थे। वृद्धा का गला दबाकर आंखें खोलने का भी प्रयास किया गया था और बदमाश घर में रखे करीब 2 लाख रुपए और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में गंगरार थाना पुलिस ने अभियान चलाकर चेकिंग की। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने की हिदायत भी दी। इस दौरान गंगरार और साडार थाना क्षेत्र में चालान काटे गए। गंगरार थाना पुलिस ने 80 और साडार पुलिस ने काटे 19 चालान। बाइक पर हेलमेट नहीं लगाकर चलने वालों पर भी गाज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कुशलगढ़ में मुख्यमंत्री के 12 जून के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। हेलीपैड और सभा स्थल का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री और बागी दौरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया, कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया, जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा पहुंचे। राजसमंद के खेमाखेड़ा गांव में पेयजल संकट से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन और जलदाय विभाग को भी शिकायत की। पेयजल संकट को लेकर पंचायत को भी शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ऐसे में भीषण गर्मी में ग्रामीणों को पेयजल के संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस पर पंचायत समिति सदस्य ने अधिकारियों से बात कर समाधान करवाने की अपील की।
प्रतापगढ़ के कुलथाना गांव में चरनोट भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अतिक्रमी पर गांव की शांति भंग करने का भी आरोप लगाया गया है। राठौर शहर में अब तक लोगों के घर के बाहर लगे नल भी सुरक्षित नहीं है। जल मिशन योजना के तहत लोगों के घर के बाहर लगे पीतल के नल लगातार 3 दिनों से चोरी हो रहे हैं। घाटौल कस्बे में पिछले 3 दिनों से सैकड़ों पीतल के नलों को चोर उखाड़ कर लेकर फरार। राजसमंद के कोवरिया में बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 18 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में बस चालक हादसे के बाद फरार हो गया। इस दौरान राजसमंद एडिशनल SP शिवलाल बैरवा और DSP रुद्र प्रकाश शर्मा भी मौके पर पहुंचे और यात्रियों से जानकारी ली। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड में पूर्व मंत्री भीखाभाई भील की 21वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हनुमान मगरी पर स्थित उनके समाधि स्थल पर पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार बामणिया समेत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। राज्य के पहले बिना विभाग के कैबिनेट मंत्री भीखाभाई बाबूजी रहे। प्रतापगढ़ के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना +2 की स्वयं सेविकाओं द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान आयोजित समारोह में शिक्षा अधिकारियों और वन विभाग के अधिकारियों ने सभी को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया और अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। चलिए अब देखते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबर। अट्रू में विधायक पानाचंद मेघवाल का 49वें जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कवाई कस्बे में पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से किया गया। कोटा के कैथून में बढ़ती चोरियों को लेकर बंद पड़े CCTV कैमरे चालू कराने और नए कैमरे लगवाने की मांग पर भाजपा पार्षदों द्वारा नगरपालिका EO को ज्ञापन सौंपा गया है। जहां बढ़ती चोरियों की घटना से गुस्साए पार्षदों ने रोष प्रकट किया है। इस दौरान भाजपा पार्षद राजकुमार प्रजापति ने बताया, कैथून नगर में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है और अब तक किसी भी घटना का खुलासा नहीं हो पाया है। इस दौरान CCTV कैमरे लगाने से चोरी की घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी। चिड़ाव के उसाव गांव में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जनसंपर्क अभियान आयोजित किया गया। अभियान के तहत झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित कर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पिड़ावा में मानव तस्करी यूनिट के हेड कांस्टेबल शाहिद खान की अगुवाई में कार्रवाई की गई। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशानुसार हुई है, जिसमें एक नाबालिग को डिटेन किया गया है। कार्रवाई में पिड़ावा पुलिस, चाइल्ड लाइन व जन साहस संस्था के सदस्य शामिल रहे। भवानी मंडी की सब्जी मंडी में भूखंडों की नीलामी को लेकर दूसरे दिन भी सब्जी विक्रेताओं द्वारा इसका विरोध जारी रहा। दूसरे दिन भी सब्जी मंडी बंद रही। सब्जी के लिए लोग तरस रहे हैं। समीप के मध्य प्रदेश से लोग सब्जी खरीद कर ला रहे हैं। भवानी मंडी में फल फ्रूट और सब्जी की बिक्री नहीं हो पा रही। सब्जी व्यापारियों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ का भी आयोजन किया। झालावाड़ के पड़ावा में खार पाकला पंचायत में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का समापन किया गया, जहां कांग्रेस मंडलाध्यक्ष नेपाल सिंह ने बताया कि शिविर में लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के पंजीयन कार्ड वितरित किए गए। बूंदी अस्पताल स्थित डायलिसिस वार्ड में विधायक कोष से 16,50,000 की लागत से खरीदी गई 2 डायलिसिस मशीनों का विधायक अशोक डोगरा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान वार्ड में भर्ती मरीजों से विधायक डोगरा ने बातचीत की और उनकी जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। बूंदी में भारतीय जैन संगठना के माध्यम से बूंदी जिले के तालाब को पुनर्जीवित करने का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। भारतीय जैन संगठना बूंदी एवं स्थानीय जिला प्रशासन के मध्य पूर्व में किए गए MOU के आधार पर बूंदी के प्राकृतिक जल स्रोतों को संगठन के खर्चे से बिना किसी वित्तीय सहायता के पुनर्जीवित करने के कार्य का उद्घाटन किया गया। झालावाड़ में पर्यटन विकास समिति झालावाड़ की ओर से शहीद निर्भय सिंह की 39वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व कैप्टन इकरामुद्दीन कुरैशी ने कहा कि शहीद का स्थान देश में सर्वोच्च।
बूंदी के छावनी बोरदा गांव के ग्रामीण पुरेल नदी अपनी क्षमता के अनुरूप सेतु का निर्माण कर रहे हैं। आजादी के बाद से ही पुल की व्यवस्था नहीं थी, जिससे ग्रामीणों को लंबा रास्ता लेकर आने जाने में परेशानी होती है। विधायक द्वारा पुलिया निर्माण को लेकर सांसद कोष से 20 लाख रुपए का बजट भी दिया गया। अजमेर नजर डालते हैं, अजमेर संभाग की तहसील की खबर। रियामड़ी के जाटावास और झिटिया में प्रशासन, गांव के संघ, शिविर और महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जाल के दधीमती माता मंदिर परिसर में 108 कुंडीय लक्ष्य मां लक्ष्मी यज्ञ और देवी भागवत कथा महोत्सव शुभारंभ किया गया और कलश यात्रा भी निकाली। शुभारंभ अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद के नेतृत्व में किया गया।